हेलो गाइस, आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है यामा एमटी 2023 रिव्यू। पहले मैं फ्रंट से शुरू करूँगा, तो सबसे पहले आपको इसमें डीआरएल मिल जाती है, उसके बाद आपको एलईडी प्रोजेक्टर मिल जाती है और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है। और जिसके फ्रंट के शॉकर हैं वो आपको यूएसडी में मिलते हैं, गोल्डन यूएसडी, जो कि काफ़ी मस्कुलर लगती है। बाई जाते हैं फ्रंट टायर के ऊपर, जो कि आपको एमआरएफ का टायर देखने को मिल जाता है। और जिसका टायर साइज़ आपको मिल जाता है देखने को 100x80 17 इंच। और न्यू अपडेट में आपको इसमें डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, पहले सिंगल चैनल में आती थी बाइक, लेकिन अब डुअल चैनल मिल चुकी है आपको अपडेट में। वाइब्रे के कैलिपर यूज़ करती है हमारे इसमें। आ जाते हैं टैंक की ओर, तो टैंक आपको काफ़ी मस्कुलर सा मिल जाता है। यहाँ पे आपको यामा की 3D लोगो मिल जाती है, यहाँ पे एमटी का लोगो मिल जाता है आपको स्टिकर के फॉर्म में। और जो आपका टैंक का कैपेसिटी है वो 10 लीटर्स आपको मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रेंज प्रोवाइड कर देती है। आ जाते हैं इंजन की ओर, जो कि 155 cc लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 18.4 PS की एट 10,000 RPM पे। और जिसका टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है वो है 14.1 Nm एट 7,500 RPM पे। फ्रंट का फुटरेस्ट कुछ ऐसा दिया है आपको, और ये रहा ब्रेक पैडल, रियर ब्रेक पैडल, और ये रहा रियर फुटरेस्ट। और इसका एग्जॉस्ट आपको काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं रियर टायर सेक्शन के ऊपर, जो कि आपको एमआरएफ का सेम मिलता है। और जो इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है 140x7 R17 इंच। इसमें आपको रियर में रेडियल टायर मिल जाता है, अगर आप लीन करना चाहें तो इसमें आप लीन कर सकते हैं आराम से, आपको रेडियल टायर मिलता है इसमें। और यहाँ पे आपको ABS का रिंग मिल जाता है, जो कि डुअल चैनल ABS में अब आने लगी है MT। आ जाते हैं रियर सेक्शन की ओर, तो इसमें आपको न्यू अपडेट में LED इंडिकेटर इंट्रोड्यूस, और ये रहा LED टेल लाइट, और ये है नंबर प्लेट लाइट, जो कि हैलोजन में मिल जाती है आपको। ऐसा कुछ इसका ग्रैब रेल मिल जाता है आपको पिलियन के लिए, ऐसा कुछ सीट मिल जाता है आपको देखने को। राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, बट पिलियन के लिए उतना नहीं है, आप 2-4 किलोमीटर बैठा सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। रेयर साइड में आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाती है देखने को। और जो इसका मोनो सस्पेंशन है वो येलो कलर का दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कुछ ऐसा है। और आपको इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सही है। आ जाते हैं मीटर की ओर, तो इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है देखने को, RPM मीटर मिल जाता है, और आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे ट्रिप मीटर मिल जाता है आपको। और इसमें आपको न्यू TCS भी मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का भी फीचर मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं स्विच गियर के ऊपर, आपको इसी में इंटीग्रेटेड लो बीम, हाई बीम और पास स्विच मिल जाती है। और हॉर्न का इसमें जो है थोड़ा सा उल्टा है, मतलब इंडिकेटर का यहाँ मिलता है यूजुअली, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूनिक है। ये रहा इंडिकेटर का स्विच, और दूसरी तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे किल स्विच, इंजन किल स्विच और सेल्फ। और जो इसकी न्यू प्राइसिंग है वो है 1,68,400 एक्स शोरूम दिल्ली। सो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।